ओम शांति। 21 सितंबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्तिधाम जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है, ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सर्वशक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्व शक्तिवान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। ओम शांति।